हे गाइस वेलकम बैक। तो G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया ने अज्यूम करी है एंड इंडिया का मेन एजेंडा, एक मेन एजेंडा यहां पर था कि क्रिप्टो को लेके क्या करना चाहिए, रेगुलेशन लेके आना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो इसको लेके काफी डिस्कशन हुए एंड हमने भी वीडियोस के थ्रू आपको आइडिया देने की कोशिश करी कि क्या पॉसिबली यहाँ पर मूव हो सकती है। क्योंकि अभी तक इंडिया में ऑल्दो काफी हार्श क्रिप्टो टैक्स लॉज तो जरूर आ गए हैं जिसने ट्रेडिंग वॉल्यूम को ना के बराबर कर दिया, सारे प्रोजेक्ट्स को बाहर मूव आउट कर दिया, लेकिन रेगुलेशन होना है, बैन होना है, उसको लेके कोई क्लैरिटी आई नहीं। एक तरफ हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं जो क्रिप्टो को लेके बोलते हैं कि बैन करना चाहिए, और एक तरफ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जो बोल रही हैं कि रेगुलेशन लेके आना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो और मिसयूज जो है उसको भी रोकने के लिए कुछ तरीके, रेगुलेशन वगैरह कहीं ना कहीं यहाँ पर है। लेकिन फिर भी जो भी बात होती है, क्लैरिटी कभी मिलती नहीं है कि होने क्या वाला है क्रिप्टो को लेके। तो इस बार की जो G20 की जो मीटिंग थी, ये काफी बड़ा एक एजेंडा था जहां पर देखना था कि इंडिया का स्टांस जो है चेंज होता है कि नहीं होता है। बाहर की कंट्रीज का तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से रेगुलेशन पे वो काम करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप्स वो ले रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तो कुछ आए नहीं थे। तो ये देखना था कि क्या इंडिया के अंदर जो थोड़ा सा ऐसा अप्रोच था कि हम थोड़ा सा हेजिडेंट थे, पीछे रह के चल रहे थे कि भाई क्रिप्टो जो है गलत कामों के लिए ज्यादा यूज हो रहा है, उस चीज को ज्यादा नोटिस कर रहे थे, बेनिफिट्स नहीं देख रहे थे, क्या उसके अंदर कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। और वो हमको रिसेंट इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ भी देखने को मिला, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अब बैन बैन की जगह यहाँ पर रेगुलेशन के बारे में ज्यादा बात हो रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर देखेंगे आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। तो मैं यहाँ पर आपको G20 के अंदर बेसिकली हुआ क्या और क्या चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो आपको मैं आइडिया दूंगा। तो उसके लिए आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज है जो आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा। सबसे पहला वीडियो अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे, पहले तो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बार क्रिप्टो के बारे में बात करी थी G20 मीटिंग की, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो अगर इसके बारे में नहीं पता, प्रीवियस वीडियो देख लेना, यू विल गेट अपडेटेड। मैंने एक आइडिया दिया था क्या हो सकता है उसको लेके। अभी यहाँ पर G20 के बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो के लेके कुछ जवाब दिए, तो यहाँ पर एक बार आप सुनिए एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पर बोला क्या। Understanding. It was to deepen the discussion around crypto assets and to foster better understanding of the broader implications of crypto assets. Then continuing the theme of crypto, there was a panel discussion on leveraging national payment systems to enhance cross-border payment arrangements. A third event, which was crypto could play a role, that event was the SME financing and bridging gap, which was also solved for the delegates. So all of them have been well attended, well received, and there's a lot of discussion about it. Well, first of all, we are going through the study process so that they can be informed discussion. That is why we find that IMF and also the FSB, who have been doing their own little work on the crypto matter and progressing on their own. We have now asked them to give it to us, and the rapidity with which the papers have been already given from IMF and from FSB will be given in time for July meeting. I feel that we are progressing in this direction. So something should develop. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बेसिकली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि G20 की इस बार जो मीटिंग हुई है वहां पर हमारे काफी पैनल डिस्कशन और क्रिप्टो को लेके वेरियस सब्जेक्ट पे बात हुई, जहां पर CBDC के भी डिस्कशन हुए। अब बाद में इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अब जब क्रिप्टो की बात आती है रेगुलेशन को लेके, तो क्या कंसेंसस है सारी कंट्री का कि भाई क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए या क्या रूल्स आने चाहिए, SOPs वगैरह चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई IMF जो है और FSB जो है, ये दोनों के दोनों अपना कुछ काम कर रहे हैं क्रिप्टो को लेके, जिसमें पेपर्स वगैरह बना रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि ये जो पेपर्स है हमको भी दो, जिसमें IMF ने तो ऑलरेडी पेपर जो इशू कर लिया, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, और FSB जो है वो जुलाई तक उनको यहाँ पर पेपर देंगे। फिर उसके बाद उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्रिप्टो को लेके क्या वो जो सजेशन है, जो पेपर्स है, उसके बेसिस पे उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली एक आइडिया ये मिल रहा है कि G20 नेशन को क्रिप्टो को लेके जो भी रेगुलेशन आना चाहिए
उसके सजेशन के ऊपर IMF और FSB मिलके काम कर सकते हैं और वो यहाँ पर दे सकते हैं जिसको बाकी G20 नेशन पूरे के पूरे यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो ये अभी तक यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हमारी जो RBI गवर्नर है जो क्रिप्टो को सिर्फ बैन बैन बोलते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, तो देखते हैं उनके व्यू पॉइंट में कोई चेंज आया कि नहीं आया। अभी बता रहा सुनने के लगता है चेंज आया कि नहीं आया, एक बार देखते हैं यहाँ पर हम जरा। पूछा कि आपका हमेशा ये रहा है कि क्रिप्टो को बैन करो, तो आप जब इस मीटिंग में गए वहां पर और मल्टीपल व्यूज थे किसी और के भी जो अग्री कर रहे थे कि क्रिप्टो को बैन करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए, क्या आपके व्यू पॉइंट है तो बताओ। तो ये बता रहे हमारे RBI गवर्नर Sir, under consideration, but it's too early to speak on what will be the eventual architecture. But yes, to address your questions, there were views that it should be regulated with a view to control, to check and control its proliferation, control its risks. There were opinions expressed saying that the option of the option of a ban or prohibition should also be considered. So multiple views were expressed. But this is a work in progress. So let us wait for the discussions to go forward. And we will see how it shapes up. In any case, ultimately, Every country is a sovereign country. The countries will take their decisions. But once something is agreed in the G20, naturally it would be expected that countries would, by and large, follow whatever is the agreed position. तो यहाँ पर अब देखोगे तो हमारे RBI गवर्नर ने ये बोला है कि यहाँ पर जब डिस्कशन हुए थे तो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स थे, काफी व्यू पॉइंट्स ये थे कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए ताकि जो मिसयूज है उसको यहाँ पर रोका जाए, और कुछ व्यू पॉइंट ऐसे भी थे कि बैनिंग भी ऑन द टेबल होना चाहिए ऑप्शन अगर यहाँ पर हो। तो इन अ वे मल्टीपल व्यूज थे, लेकिन अभी इसके ऊपर क्या है कि ये जो पेपर्स हैं IMF और FSB ये दोनों के दोनों इसके ऊपर काम करेंगे एंड वर्क करेंगे एंड फिर वो सजेशन देंगे कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। एंड जो भी यहाँ पर जो ये रूल्स बन के आते हैं जो जुलाई से लेके हमको सेप्टेम्बर तक के बीच में देखने को मिल जाना चाहिए कि क्या वो सजेशन आते हैं, फिर सारी कंट्रीज उसको देखेंगी और उसके बेसिस पे वो डिसाइड होगा कि कैसे उसको फॉलो करना है, किस तरह से करना है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि G20 नेशन अगर किसी चीज के साथ में किसी चीज को फिक्स करने के लिए साथ में काम करना चाहती हैं तो एक ही रूल हर किसी को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन मोर ओवर जो रूल्स बनेंगे वो अब G20 नेशन के FSB और IMF के थ्रू यहाँ पर बन के कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो अब ये आइडिया यहाँ पर मिल रहा है कि इंडिया भी जो क्रिप्टो का स्टांस है जो पहले बैन और सारी चीजों को लेके था वहां से चेंज हो गया और वो उसको थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर भी रेगुलेशन लाना थोड़ा एक बेटर तरीका हो सकता है, सिर्फ बैन मैन वाली चीज नहीं है। तो जो बैनिंग वाली चीज थी उससे थोड़ा सा थैंकफुली चलो बाहर हम यहाँ पर निकले हैं अभी के लिए। अब यही है, अब आगे देखना ये है कि ये जो पेपर्स वगैरह आते हैं ये ग्लोबल लेवल पे किस लेवल पे आते हैं और उसके बेसिस पे हमको जो क्रिप्टो के रेगुलेशन है वो देखने को मिलेंगे। अभी देख के ये नहीं लग रहा है कि इंडिया की तरफ से कोई क्रिप्टो का अलग से कोई ड्राफ्ट या ऐसी कोई चीज आ सकता है। पॉसिबली जब ये पेपर्स आएंगे FSB और IMF के रिकमेंडेशन के बाद जो सारी कंट्रीज फॉलो करने की कोशिश करेंगे उसके बाद पॉसिबली हो सकता है यहाँ पर उसका जो वर्जन है वो इंडिया अपनी तरफ से बनाए कि उन रूल्स को इंडिया में कैसे हम इंप्लीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी के लिए गाइज ओवरऑल यही अपडेट है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके G20 नेशन की तरफ से। आई थॉट आपको इसके बारे में अपडेटेड रखूं। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, क्या आपको लगता है कि ये जो आप स्टेटमेंट सुन रहे हो आपको लग रहा है इससे कुछ पॉजिटिव हो सकता है या आपको नेगेटिव लग रहा है, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट अस नो। एंड RBI गवर्नर की भी जो स्टेटमेंट है उसको लेके भी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट अस नो। बाकी अगर आपको अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गाइज टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।